बढ़िया, सब आ गए हैं। ओ, हम साथ साथ हैं, एक साथ हो जाओ और हाथ पीछे कर लो। अरे चलो, वरना लेट आ दूंगा इसका हमेशा के लिए। चलो छोड़ दो मेरी रानी को, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। अरे आंटी, आपकी राय मांगी मैंने, चुपचाप करो ना जो कह रहा हूँ। जाओ खड़े हो जाओ वहां पे, चलो। माँ, ये जैसा कह रहे हैं वैसे कीजिए। अच्छा सुनो, इस घर में जितना पैसा जेवरात है ना, सबका सब मुझे चाहिए यहाँ, अभी के अभी, चलो। अरे बाप, मास्क निकाल। ओए, जरा इधर भी देख ले। मेरे बेटे को छोड़ दो। ए, तू चल मेरे साथ। इतना सोना पैसा है ना घर पे, सब चाहिए मुझे, वरना इसकी टांग उड़ा दूंगा मैं। मैं आ रही हूँ। ओ भाई, तू देखियो हाँ यहाँ पे। हाँ भाई। चल जल्दी खोल इसे, खोल और उस बैग में सब भर, जल्दी। भर ये बहुत सुंदर है। तू जो मांग रहे हो वो मिल रहा है, हाथ दूर रखो, चलो। चल बाटल, चल। कहीं इस पूजा का प्लान तो नहीं, इसे पता है कि इसे डिवोर्स के बाद कुछ नहीं मिलेगा, कहीं इसीलिए तो ये नहीं कर रही सारा नाटक। चल।
पिताजी, मेरी बच्ची, आप ठीक है ना? बाबूजी, बाबूजी आप ठीक तो हो ना? बाबूजी, सॉरी सर, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। वो तो ये भाई के कहने पे मैं पैसे के लिए सब किया। तो क्या बोल रहे भाई? मैडम तुम मुझे क्यों मार रहे हो आप? मेरा प्लान नहीं था ये, किसी और का प्लान है। किसका था? बोल। रानी का। क्यों किया? रानी आज अगर दादी को कुछ हो जाता तो क्या जवाब देती तुम? बोलो, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे मैं। आप दोनों की डिवोर्स पेपर्स के नाटक के बाद प्यार का नाटक देखा मैंने। जरा ये सोचो, अगर पूरे परिवार को वो नाटक के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? और तुम, मिस्टर कबीर मित्तल, तुमसे बड़ा धोखेबाज तो दुनिया में नहीं है। एक तरफ ये कहते, माँ आपके लिए तो मैं पूजा को भी छोड़ दूंगा, और दूसरी तरफ इन्हीं से प्यार करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मॉरल साइंस की लेसन्स तो तुम मुझे ना ही दो। और आप, मेरी प्यारी पूजा दी, आपको तो मैं बार बार बर्बाद करने की कोशिश करूंगी, बार बार आपकी खुशियां छीनने की कोशिश करूंगी, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। पूजा कुछ कर पाए या ना पाए, लेकिन पूजा को नुकसान पहुंचाने वालों को ना मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम चाहे जितनी कोशिश करनी है ना, तुम कर लो। ओके मिस्टर कबीर मित्तल, डन डील। मैं दी की सारी खुशियां छीन लूंगी, प्रॉमिस करती हूं, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। मैं भी तुझसे एक प्रॉमिस करती हूं, आज हम कुछ नहीं बताएंगे अंदर जाके किसी को भी कि ये सब तुम्हारा किया धरा था। जब तक तुम्हें खुद रियलाइज नहीं हो जाता कि तुम गलत रास्ते पे चल रही हो रानी। कसम खाती हूँ मैं, अगर तुम्हें सुधार नहीं पाई ना, तो मैं कबीर को डिवोर्स दे दूंगी, और सिर्फ इस घर से नहीं, शहर भी छोड़ के चली जाऊंगी। आई प्रॉमिस। अरे दी, आप अपने नाटक से कबीर को बेवकूफ बना सकती हैं, मुझे नहीं। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है, मैं या तुम, मेरे बदले की भावना या आपका आदर्शवादी होने का नाटक। दादू, आप ठीक हैं? ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। इन लोगों का पता चला? दादू नहीं, वो लोग बच के निकल गए। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस इंसिडेंट की रिपोर्ट करता हूँ पुलिस में। पूजा बेटा, तुमने हमारी जान बचाई, बहुत बहुत शुक्रिया। पर बाबूजी, अभी थोड़ी ही पता चला है कि इसके पीछे किसका हाथ है, हो सकता है घर का ही कोई हो। सुमन, ये कैसी अंट शंट बातें कर रहे हो तुम, चंदा की तरह? अरे घर का आदमी कैसे हो सकता है?
अब मुझे लग रहा है काफी देर हो गई, हमें हमें जाके सोना चाहिए। कबीर, अब तुम और पूजा अलग अलग कमरे में सो सकते हो। तुम दोनों का डिवोर्स फाइल हो गया है। बिल्कुल सही कह रही है सुमन जी। मेरी आज ही गुरुजी से बात हुई है, वो इंदौर आए हुए हैं। कल सुबह वो आएंगे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। उसके बाद तेरे जीवन की रही सही परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।